दोस्तों आज है विंग्स फैंटम 210 गेमिंग निक बैंड, एलईडी इफेक्ट्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हो कि मैंने गले में पहन रखा है, लुक्स में बेस्ट है। और अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट 5.3 ब्लूटूथ देखने को मिल रहा है, इसलिए कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन SBC सपोर्ट के साथ, जिस वजह से पता नहीं कैसा होगा इसका साउंड एक्सपीरियंस। और इसमें आपको 50 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी देखने को मिल रहा है गेम मोड के साथ, तो गेमिंग भाइयों के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है ये। साथ ही में ENC टेक्नोलॉजी भी आपको इसके माइक में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कॉलिंग एक्सपीरियंस बेटर आपको ये प्रोवाइड करेगा। और टोटल 40 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, साथ ही में फास्ट चार्जिंग भी है जिसके हेल्प से 15 मिनट चार्ज करके ये आपको 4 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है 50% वॉल्यूम में। और इसमें आपको ड्यूल पेयरिंग का भी फीचर देखने को मिल रहा है, जिसके हेल्प से आप एक ही साथ ड्यूल डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो दो फोन क्यों ना हो या फिर लैपटॉप फोन क्यों ना हो। लेकिन हाँ, दोनों डिवाइस में एक साथ सॉन्ग नहीं चलेगा, आप पहले वाले को पॉज करोगे तो दूसरे वाले में प्ले होगा, या आप दूसरे को पॉज करो पहले वाले में प्ले होगा। और साथ ही में इसमें आपको 13mm का लार्ज ड्राइवर देखने को मिल रहा है और IPX5 का वाटर रेटिंग भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, और ये आपको दो कलर में अवेलेबल मिल जाएगा, ब्लैक ब्लू। तो चलिए अभी देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, बाकी की बातें बाद में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऐसा दिखता है इसका बॉक्स, बॉक्स के ऊपर आपको विंग्स फैंटम 210 का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नीचे इन्होंने अपने मेन की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है, और बॉक्स के दूसरे तरफ भी इन्होंने अपने की फीचर्स को ही प्रिंट कर रखा है, तीसरे तरफ इन्होंने अपने ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है, पीछे की तरफ अपने की फीचर्स को, और थोड़े ही नीचे अपने ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को छाप रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस को इशू होने से आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा नेकबैंड को कैसा घुसा के दिया है, बॉक्स को छोटा किया है ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच सके। सो ये कुछ पेपर वर्क मुझे इसके साथ देखने को मिला, ये है फैंटम 210 का यूजर मैनुअल, जिसके अंदर इन्होंने अपने फंक्शन को और अपने कुछ फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और ये है वारंटी कार्ड, इस बार कोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है, 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी विंग्स आपको प्रोवाइड करता है। और ये है नॉइस की कुछ कूल स्टिकर्स चिपकाने के लिए यहाँ वहाँ, और 2 जोड़ी एयर टिप्स भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, लार्ज एंड स्मॉल, मीडियम साइज का बर्ड्स में लगा हुआ है। और ये है इसका चार्जिंग केबल, क्वालिटी एवरेज है। और अभी एक क्लोज लुक नेकबैंड की तरफ, तो यहाँ पर आपको विंग्स का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नेकबैंड का डिटेलिंग भी काफी अच्छा, आप देख सकते हो डायमंड्स कट्स लगा रखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर्ब लग रहा है देखने में। और यहाँ पर इन्होंने अपने बैटरी को फिट कर रखा है और कुछ नहीं है इसके नीचे, अगर आप काट पीट के देखोगे तो। और जैसे कि आप देख सकते हो इसका शेप अच्छा है, एक सांप का शेप इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, और ये दो इसकी आंखें हैं जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा है देखने में। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम डिजाइन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, यहीं पर ही आप एक होल देख रहे हो जो कि है इसके माइक का होल, इसमें आपको सिंगल माइक देखने को मिल रहा है, ENC नॉइस कैंसलेशन के लिए भी सेम माइक है, और आवाज को पकड़ने के लिए भी सेम माइक का ही इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। और पीछे का साइड आपको इसके बटन देखने को मिल रहा है, बटन का प्रेस काफी ज्यादा सॉफ्ट है लेकिन थोड़ा सा माइनर सा नॉइसी है। और यहाँ पर है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, और इसके बेल्ट का क्वालिटी भी काफी ज्यादा पसंद आया मुझे, आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल है और आप जहाँ से बेंड करोगे वहाँ पे निशान नहीं पड़ रहे हैं, जिस वजह से आप इजीली इसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में डाल सकते हो, कुछ नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग है। इसके बर्ड्स का वायर का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, काफी ज्यादा थिक है और क्वालिटी में बेस्ट है। और बर्ड्स का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आपको विंग्स का लोगो देखने को मिल रहा है और व्हाइट ब्लू कलर से इन्होंने डिजाइन बना रखा है, जो व्हाइट कलर है इसके अंदर LED फिट कर रखा है इन्होंने, और पूरा प्लास्टिक का बॉडी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, आगे पीछे पूरा प्लास्टिक है। सो भाई लुक्स में बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है, और इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी काफी अच्छा है, एकदम लूज भी नहीं है और एकदम टाइट भी नहीं है, ठीक ठीक ही है। और हाँ, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर्स नहीं मिल रहा है और ना ही पॉज प्ले का। सो भाई बिल्ड क्वालिटी एंड डिटेलिंग बेस्ट है स्नेक बैंड का, किसी भी एंगल से 900 का प्रोडक्ट नहीं लग रहा, थोड़ा एक्सपेंसिव ही लग रहा है देख के। सो गेम मोड ऑन करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो गेम मोड ऑन करने पर निक बैंड कमाल लगता है भाई, आप देख सकते हो इसका LED इफेक्ट्स बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं है और एकदम डल भी नहीं है, बोले तो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देता इसका LED, लेकिन रात के उजाले में कमाल लगता है। अगर बहुत ज्यादा ब्राइट कर देते तो भाई बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होता, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा कि इन्होंने एवरेज लगाया है, ना बहुत ज्यादा ब्राइट और ना ही एकदम डल। और बर्ड्स का LED इफेक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है, रात को देखने में तो सुपर्ब लगता है भाई, जैसे कि आप देख सकते हो, दिन के उजाले में इसका भी LED दिखाई नहीं देता है, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है लेकिन रात में सुपर्ब लगता है। सो अभी मैं आपको विंग्स फैंटम 210 का फंक्शन बताना चाहूंगा। सो निक बैंड के बीच में है मल्टी फंक्शन बटन, वही है इसका पावर बटन, जिसके 5 सेकंड लॉन्ग प्रेस से आप निक बैंड को ऑन ऑफ कर सकते हो, और सिंगल प्रेस से आप सॉन्ग को प्ले कर सकते हो या पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक कॉल एंड कर सकते हो। कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, वॉइस असिस्ट का भी सेम है, 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस करना है। गेम मोड ऑन ऑफ करने के लिए आपको ट्रिपल प्रेस करना पड़ेगा, और प्लस माइनस बटन का तो आपको पता ही है, सिंगल प्रेस करोगे तो वॉल्यूम अप डाउन होगा, लॉन्ग प्रेस करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए। और अभी आप नेक बैंड का वेट देख सकते हो, ओनली 44 ग्राम, जो की काफी ज्यादा लाइट वेट है, और इसके बर्ड्स का वेट है ओनली 7 ग्राम, 3.5 ग्राम ईच, जो की हल्का ही है। और अगर इसके कम्फर्ट
के बारे में बात करें तो इसका कंफर्ट काफी ज्यादा बढ़िया लगा। आप इसे पहन के पूरा दिन इस्तेमाल करो, आपके कानों में किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होगा, तो इसका कंफर्ट बेस्ट है। और बर्ड्स का नॉइस कैंसिलेशन भी काफी अच्छा है, सीलिंग फैन के नॉइस को रिड्यूस कर देता है लेकिन टेबल फैन के नॉइस को रिड्यूस नहीं कर पाता। अगर आप सॉन्ग नहीं भी चलाओगे तब की बात कर रहा हूँ। और आप इसे पहन के जिम करो, धीरे रनिंग करो, आपके कानों से नहीं गिरेगा, लेकिन अगर आप तेज रनिंग करते हो तब जरूर आपके कानों से ही गिर जाएगा। और अगर साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो ये काफी ज्यादा पसंद आया मुझे। इसमें आपको एकदम क्लियर वोकल सुनने को मिल रहा है, जैसे इंसान का आवाज है एकदम वैसा ही साउंड ये डिलीवर करता है। साउंड में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और रही बात ट्रिबल छनकार का, तो ट्रिबल छनकार भी काफी अच्छा, एवरेज ट्रिबल आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, कानों में छनछन सा मारता है, सुनने में काफी अच्छा लगता है। और रही बात बेस का, तो यहाँ पर आपको एवरेज बैलेंस बेस सुनने को मिल रहा है। बेस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, सॉफ्ट है बेस लेकिन हाई नहीं है, हल्का हल्का कानों में बुम बुम मारता है। सो बैलेंस साउंड अगर आपको पसंद है तो आप इसे ले सकते हो। और हाँ, इन्होंने कहा तो है 13mm का लार्ज ड्राइवर, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है क्योंकि इसका लाउडनेस मुझे थोड़ा कम कम सा ही लग रहा है। अगर आप नॉइस बोर्ड के साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाउडनेस थोड़ा कम है, 10% कम है इसका लाउडनेस। लेकिन गेमिंग के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है क्योंकि इसका वोकल्स काफी ज्यादा क्लियर है और बेस भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता गेमिंग के टाइम। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं अभी हूँ कॉलिंग पे और नेकबैंड भी है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और नेकबैंड का ये चीज काफी अच्छा लगता है कि अगर आप ऐसे मुंह के पास लाके बात करोगे तो आवाज को एकदम क्लियर पकड़ता है और नीचे लाने से आप सुन सकते हो कि कैसा साउंड पकड़ रहा है। और मेरे आगे अभी भी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि थोड़ा सा नॉइसी है, तो अभी हम लोग इस पे एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास हेडर, अभी आप सुन सकते हो कि इस नॉइस में कैसा साउंड परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। वैसे इसका माइक इस साइड है, तो अगर एक्सपेक्ट से बात करूंगा तो अभी आप सुन सकते हो कि कैसा आवाज पकड़ रहा है। तो दोस्तों बस यही है इसका ईएनसी नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट, आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा। और क्या बोलूं भाई, और कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए, तो आप सुन सकते हो कि भाई कैसा साउंड एक्सपीरियंस है, कैसा आवाज को पकड़ रहा है। नहीं तो बताओ कि आपको कैसा लगा, और क्या बोलूं भाई, और कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए, तो अब सुन सकते हो कि भाई कैसा साउंड एक्सपीरियंस है, कैसा आवाज को पकड़ रहा है। नहीं तो बताओ। So, दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, आवाज को बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से ग्रैब कर रहा है और ईएनसी नॉइस कैंसिलेशन भी कमाल है, इंडोर और आउटडोर यूसेज के लिए बेस्ट है ये, 2000 के नेकबैंड को भी टक्कर दे सकता है, आप इसे ले सकते हो, परफॉर्मेंस जबरदस्त है। तो चलिए अभी एक लो लेटेंसी टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और गेम मोड भी इसका ऑन है। अभी आप ये देखो कि अंगूठा नीचे रहती है आवाज आता है या अंगूठा ऊपर आने के बाद आवाज आता है। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने कहा है 50 मिलीसेकंड्स लो लेटेंसी, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है, अप्रॉक्स 70-80 मिलीसेकंड्स लो लेटेंसी होगा लेकिन 50 तो नहीं है भाई, जैसे कि आपने खुद ही देखा। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो ये मुझे 15 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड किया 80% वॉल्यूम में, तो बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा लगा। हालांकि इन्होंने कहीं पर भी शेयर नहीं किया कि कितने एमएएच का बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2 आवर्स 10 वाट चार्जर से, और मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 10 वाट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ, नहीं तो जल्दी डेड हो जाएगा 1 साल के अंदर ही। और इसमें आपको IPX5 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है, सो चलिए एक वाटर टेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा IPX5 आपको वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वाटर प्रूफ नहीं, हल्का फुल्का पानी लग गया तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर बाल्टी में गिर गया तो खराब हो सकता है। तो आप वाटर टेस्ट को सिर्फ देखो और एंजॉय करो, इस तरीके का टेस्ट आप अपने घर पे मत करो। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट और सॉन्ग भी चल रहा है। आप देख सकते हो कि 30 सेकंड्स हो चुका है और नेकबैंड अभी भी है ऑन, इसका गेम मोड ऑन करके डाला था मैंने इसे पानी में, और डिवाइस अब भी कनेक्टेड है आप देख सकते हो। अभी मैं आपको सुना देता हूं।
सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये मेरा वाटर टेस्ट सर्वाइव कर लिया है, अभी भी मैं आपको यही बोलूंगा कि ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है। मैंने जो वाटर टेस्ट किया इसमें कोई वाटर प्रेशर नहीं था, इसलिए झेल गया ये। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।